छोटे सिक्के ले लिए। इसी तरह मेरे रब्बे करीम, मैं भी आज तेरी बारगाह में खोटे अमाल लेके आने लगा हूँ, तू भी मेरे खोटे कबूल कर लेना है। अल्लाह माफ करे, खोटे अमाल है जी। हला तो ये उन लोगों की आजजी थी, बड़े हो के भी अपने आप को छोटा समझते थे, बहुत कुछ करके भी वो कहते थे कि हमने कुछ नहीं किया। तो अल्लाह माफ करे, हम तो हैं ही छोटे, हमने तो किया ही कुछ नहीं है, ना को तिलावत कर सके, ना हजरत जिस तरह रोजा रखने का हुक्म था हम उस तरह रोजा रख सके, ना जिस तरह रमजान गुजारने का हुक्म दिया गया जुबान का रोजा रखना, जुबान वो बात ना करे जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे महबूब को पसंद नहीं है, आंखें वो देखे ना जो हमें और हमारे महबूब को पसंद नहीं है, कान वो सुने ना जो हमें और हमारे महबूब को पसंद नहीं है, दिल उस चीज की चाह ना करे जो हमें और हमारे महबूब को पसंद नहीं है, दिमाग वो सोचे ना जो हम और हमारा महबूब नहीं चाहते, हाथ वो काम करें ना जो हमें पसंद नहीं है, पांव चल के उस जगह ना जाएं जहां जाने से हमने और हमारे महबूब ने मना किया। तो हमसे कहा हजरत इस तरह वो रोजे रखे गए, तो हमारे मामले तो वाकियातन खोटे हैं हजरत, वो तो उनकी आजजी थी ना हजरत, उनके अमाल कहाँ खोटे थे हजरत, तो बड़े पक्के सादे नेक लोग थे, लेकिन वो फिर भी आजजी करते हुए अपने खरे अमाल को खोटा कहते थे। आखिरी जो मैं जी, हमारे तो अमाल वाकियातन खोटे हैं हजरत, बस अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। आज खूब अल्लाह की बारगाह में आजजी करना, क्योंकि हजरत हमारे इस्लाफ का कमाल ये था कि वो करके भी डरते थे, और हम वो हैं कि हजरत जी ना करके भी नहीं डरते, वो करके भी डरते थे, हम ना करके भी नहीं डरते हैं। वो अमाल करके भी इस हाल में पाए जाते थे कि ईद का दिन है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने मौजूद ही नहीं, लोग आपकी तलाश कर रहे हैं ईद मिलने के लिए, अमीरुल मोमिनीन से ईद मिलनी, जब वो लोग घर पहुंचे तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने के घर से रोने की आवाज आ रही थी, तो लोगों ने अर्ज की अमीरुल मोमिनीन आज तो खुशी का दिन है, तो आप किस बात पर रो रहे हैं, आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशी का दिन है। फरमाया भाई ईद तो वो बनाए, खुशी तो वो बनाए जिसको इस बात का यकीन हो कि अल्लाह ने उसके रोजे कबूल कर लिए हैं। वो रख के भी डरते थे कि पता नहीं अल्लाह को पसंद आए हैं कि नहीं आए हैं। अल्लाह माफ फरमाए, इधर ना रख के भी कोई नहीं डरता। अल्लाह अगर देखा जाए तो हजरत ईद तो रोजेदारों की है ना, ईद तो उन की है जिन्होंने तरावियां पढ़ी हैं, ईद तो उन की है कि जिन्होंने 30 दिन अपने रब को राजी करने के लिए कोशिश की है, लेकिन दुख ये है कि सही दबा के ईद मनानी है बेरोजगारों ने। वो करके भी डरते थे कि पता नहीं अल्लाह को पसंद आया कि नहीं, हमारे अमल का मयार इतना था कि नहीं कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल ठहरे, लेकिन इधर क्या हालात है, इधर ना करके भी नहीं डरते। वो 30 रोजे रख के, शब्बेदारियां करके, दिन में एक एक कुरान खत्म करके, कई कई 100 नफल पढ़ के, फिर भी ईद वाले दिन भी रोया करते थे पता नहीं अल्लाह को हमारे अमाल पसंद आए हैं कि नहीं आए। लेकिन इधर हजरत जी कुछ भी नहीं है, और फिर रोना भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रोना भी नहीं। इसलिए हजरत जिस जिसने भाई किया है ना, रोना भी आज जरूर, रो के अपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना, रब्बा खोटे नहीं लेकिन कबूल कर ले। हजरत वारशा कहते हैं, चूड़ियां वालियां नाज व खावन दूर निकालियां जा। अमल करना भी एक 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 काम है, लेकिन अमल को कबूल करवा लेना भी एक काम है। अक्सर वो पेशतर हजरत जी अमल हो जाता है, लेकिन वो गुरूर और तकबूर की नजर हो जाता है। इसलिए जिस जिसने किया है करके रोना कि मालिक कबूल कर ला, मालिक तुझे पसंद आ जाए। हमें पता है ऐब वाले मामले, हमें पता है इधर इधर फुलां फुलां कोताही थी, लेकिन तू फिर भी कबूल कर ले, तू कबूल करने वाला रब है।
बाकी हजरत ये हमारी तारीख के एक बुजुर्ग हैं सैयदुना जन्नून मिस्री रहमतुल्लाही ताला, रोजे तो इनके रोजे थे, रमजान तो ये लोग गुजारते थे, हमने क्या गुजारा। वो लिखा कि 10 बरस गुजर गए जन्नून मिस्री रहमतुल्लाही ताला के नफ्स ना लजीज खाने का तकाजा कर रहा था, और 10 साल गुजर गए हजरत जुनून मिस्री रहमतुल्लाही ताला अपने नफ्स से लड़ रहे थे कि नहीं लजीज खाना देना। 10 साल गुजर गए इसी लड़ाई में, रमजान मुबारक आ गया, रमजान मुबारक भी इसी तरह गुजरा था, सादा सादा खाना, थोड़ा थोड़ा सा खाना, नहीं लड़ते थे, क्योंकि कुरान उनके लिए कहता है रुहमा उबैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफार, वो शैतान से लड़ने वाले, वो नफ्स से लड़ने वाले, हम आपस में लड़ने वाले। हजरत जुनैद बगदादी के लिए भी लिखा ना, कितने साल गुजर गए, नफ्स इंजीर का तकाजा कर रहा था, लड़ाई अपने नफ्स नहीं देनी तुझे इंजीर, वो तड़पता रहा नहीं दी इंजीर। वो लिखा हजरत ने रोजा रखा, पहला रोजा था हजरत का, तो नफ्स ने ना फिर इंजीर का तकाजा किया, उसने कहा कई साल हो गए इंजीर खाने को, तो आज ही खिला दो। हजरत जुनैद ने कहा चल आज नफ्स से सुलह कर लेते हैं, फिर इसको इंजीर खिला ही देते हैं। आपने अपने मुरीद को पैसे दिए, जाओ इंजीर लेके आ, इंजीर ले आया, आपने इंजीर सामने रख ली, जैसे ही अजान मगरिब होगी इफ्तार का वक्त होगा इंजीर खा लूंगा। उधर जनाब वो अजान शुरू हुई, आपने इंजीर पकड़ी, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के इंजीर मुंह में रखी और रोना शुरू कर दिया और इंजीर थूक दिया हजरत नीचे। वो जितने लोग हाजिर थे उनका हजरत मंगवाई भी फिर खाई भी नहीं, थूक दी। फरमाया कई साल गुजर गए जुनैद का नफ्स तकाजा कर रहा है इंजीर खाने को, और जुनैद अपने नफ्स से लड़ रहा था, आज मेरा पहला रोजा था, इसने फिर तकाजा किया, मैंने कहा चलो आज थोड़ी देर के लिए नफ्स से सुलह कर लेते हैं और इसको इंजीर खिला देते हैं। पैसे दिए, इंजीर आ गई, इंजीर सामने रखी, इंतजार में था रोजा खोले इंजीर खाऊं। जैसे अजान हुई इफ्तार का वक्त करीब हुआ, मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के वो इंजीर मुंह में रखी, तो साथ ही अंदर से नफ्स की आवाज आई, उसने कहा जुनैद देख ले फिर, इतने सालों की लड़ाई में जीत ही गया ना है। फरमाया इसलिए थूक दी कि जब तक जिंदा है जुनैद कभी इसको जीतने नहीं देगा। किधर वो रोजे, कहां वो नफ्स से लड़ाई हजरत, कहां वो अपनी ख्वाहिशों से लड़ने वाले। इसलिए तो बुल्ले शाह ने कहा ना, फरमाया जा वड़दे मंदर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, एवं ही लड़दा है शैतान दे नाल बंदिया, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। आखे पीर बुले शाह ओए उड दियां फड़ना है, जड़ा घर बैठा उन्हें फड़े ही नहीं। इसलिए तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, आप एक गजवे से तशरीफ लाए और जब मदीना पाक पहुंचे ना, तो आपने सहाबा से फरमाया हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ आए। सहाबा ने कहा इतने शहीद हो गए, किसी का बाजू कटा, किसी की टांग पे जख्म आया, किसी की आंख गई, किसी को फुला जख्म लगा, ये अभी भी जिहाद असगर है, तो फिर जिहाद अकबर क्या है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने नफ्स से, अपनी ख्वाहिश से, अपने आप से लड़ना जिहाद अकबर है।